कांग्रेसियों ने के समर्थकों ईट पत्थर से स्वागत किया, लेकिन वो बाबा साहब का बचाव में चंदापुरी जी खड़ा हो गए। उनके कुर्ता पर जो अभी दिख रहे हैं वो खून की धब्बा है। बाबा साहब का जान मार देगा, जान मार देगा। ये जब हल्ला हुआ, बच्चा जो गांधी जी का पीछे अगर बैनर पकड़े हुए कोई है तो यही बच्चा है। बाबा साहब चलाते थे शोषित जनसंघ की, जो मैंने आंखों देखा था लोगों का, पूंजीपतियों का अत्याचार, जमींदारों का। हमारा लोग बहुत जागा है और बहुत आगे आ रहा है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है, मैं हूं पंकज। अभी मैं पटना के महात्मा ज्योतिबा फूले सभागार में हूं, और यहां पर जो महानुभव मेरे साथ में हैं वो उन लोगों में से हैं जो बाबा साहब के अंतिम दिनों में साथ में थे और कई लड़ाइयां लड़ी। आप देख सकते हैं एक फोटो है मेरे पास, पिछड़ा वर्ग संघ का बाबा साहब ने कोई प्रदर्शन किया था पटना में। ये फोटो बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी कई जगह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस फोटो में जो ये युवक देख रहे हैं ये वही महानुभाव हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बाबा साहब पटना कब आए थे और क्यों आए थे, इन सारी मुद्दाओं पर बात करेंगे। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा पूर्व नाम है रोहन भगत। अच्छा। अभी वर्तमान नाम दो नाम चल रहे हैं, बनते ज्ञान कीर्ति। अच्छा। जबकि चंदापुरी जी का मृत्यु हो गया था। अच्छा। महात्मा ज्योतिबा फूले का प्रोग्राम कर रही थी मालादास। अच्छा। एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने अध्यक्षता करने वाले चंदापुरी जी थे, उनकी 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं बिहार? हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय के गांव कंसारी शेखपुरा के नाम से जाना जाता है, और हमारे पूर्वजों का नाम जानना अगर चाहेंगे तो मैं बताऊं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबा साहेब पटना कब आए थे ये जो सम्मेलन करने के लिए? 1951 आए थे, 6 दिसंबर को जी। अच्छा। उसमें जो हम लोगों के साथ उनके साथ जो साजिश हुआ था। अच्छा। बहुत घोर साजिश था वो, जनलेवा साजिश था। क्या हुआ था उन दिनों? उन दिन कुछ कांग्रेसियों ने के समर्थकों ईंट पत्थर से स्वागत किया था। वो दिन याद है जब ये वो लोग ईंट पत्थर से स्वागत कर रहे थे, और मैं बाबा साहब के साथ चंदापुरी जी के बगल में मैं खड़ा था। उसी वक्त बत्ती जो था गांधी मैदान का गुल कर दिया गया, यानी बुझा दिया गया। बुझाने के बाद रोड़ा पत्थर जब चलने लगा तब चंदापुरी जी खड़ा हो गए। मैं तो खड़ा ही था बैनर पकड़े हुए, लेकिन वो बाबा साहब का बचाव में चंदापुरी जी खड़ा हो गए। जो उनके दाहिने तरफ लीलार पर जो फटा हुआ है खून का धब्बा जो देखते हैं, उनके कुर्ता पर जो अभी दिख रहे हैं वो खून की धब्बा है, लेकिन बाबा साहब को रोड़ा पत्थर नहीं लग सका। इतने में चंदापुरी जी और स्टेज पर जितने लोग थे इन लोग ने गदाल किया, यानी मारो मारो मारो, ये जनलेवा जैसे कि प्रोग्राम ये लोग कर रहा है, तो सब लोग चकित हो गया। उसके बाद में बाबा साहब का जान मार देगा, जान मार देगा, ये जब हल्ला हुआ तब बत्ती आया, और जो साजिशकर्ता लोग जो थे सो वो भाग चले। यानी बाबा साहब के ऊपर भी पत्थर चलाया गया था उस टाइम जी? किसने चलाई थी बाबा साहब के ऊपर? बाबा साहब के कहने में शर्म लगता है, लेकिन आप लोग पूछते हैं मीडिया वाले हैं तो मैं क्या कहूँ। हमारे ही पिछड़ा दलित कहलाने वाले ही लोग थे, भले उनके ऊपर स्वर्ण लोगों का हाथ हो या कांग्रेसी भाई लोगों का हाथ हो चला, लेकिन बाबा साहब को बचाए और वहाँ पर ही प्रोग्राम होता रहा। जब भीड़ जब
कहा लोग ने जब मारो मारो का नारा दिया तो वो लोग तो भाग चला, गुंडे लोग, लेकिन भीड़ जो था गांधी मैदान का वो नहीं भागा, वो जस के तस बैठा रहा और अंत अंत सभा तक के लोग सुनता रहा। और जो रोड़ा पत्थर के द्वारा जो क्राइम करने वाले थे वो तो लापता हो गए। अच्छा, बाबा साहब जब पटना में आए थे पहली बार ही आए थे 1951 में, वो कहाँ रुके थे? वो अभी वो मंदिरी के सरस्वती भवन में रुके थे। अच्छा, जो चंदापुरी जी का घर है, आवाज भी पिछड़ा वर्ग संघ के कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है। त्याग मूर्ति चंदापुरी जी, आरएल चंदापुरी जी, ऐसे त्याग मूर्ति चंदापुरी कहते हैं। अच्छा, लेकिन पूर्ण नाम उनका आरएल चंदापुरी राम लखन सिंह चंदापुरी है। अच्छा, बाबा साहब जब आए थे पटना तो कितने दिन रुके थे यहाँ पर? एक दिन तो आए। हाँ। उस दिन प्रोग्राम हुआ, दूसरे दिन जैसे कि वो यहाँ से पटना से रुक करके उबरी टाइम बोलते हैं, उस टाइम में यहाँ से चले थे। बाबा साहब के साथ में कौन कौन आया था वहाँ से? उनका पत्नी जो थी, अच्छा, वो भी साथ में थी, सविता अम्बेडकर। बाबा साहब ने एक जो चंदापुरी जी का बहू जो थी वो यहाँ बिहार में इडली डोसा या अथी का नाम नहीं जानता था, उसी टाइम में जानने को मिला तो उन्होंने जब बना करके उनको खिलाया था तो उन्होंने अपने हस्ती शब्द में बोले कि यह तो बम्बे का लड़की का लगता है मनाया हुआ है चंदापुरी जी, तो सारे लोग हंस पड़े थे। अच्छा, बाबा साहब के साथ आप क्यों जुड़े थे उस आंदोलन में? पिछड़ा वर्ग संघ के लिए आंदोलन हो रहा था, पिछड़ा वर्ग पिछड़ी जातियों के लिए, तो आप क्यों जुड़े थे, क्या कारण था? इसलिए कि हमें जन्म एक पॉलिटिशियन ग्राम में हुआ और जो हमारा मोहल्ला था वो कायस्थों का था, आज भी ग्राम में राजपूत लोग भी हैं, कुशवाहा लोग भी हैं, उनके बीच में मेरी मकान है और उन सब लोगों से मेरा अच्छी भाईचारा रहता है, चाहे वहाँ का दलित हो या आगरा हो या पिछड़ा हो, क्योंकि हमारा बचपन से सिद्धांत रहा जो मानव है सो मेरा है, दानव भी मेरा है। अब हमें ज्ञान होना चाहिए कि मानव से क्या काम हम लेंगे और दानव से क्या काम लेंगे। अगर मानव को दानव को अगर बदल के हम मानव में बना दें वो हमारी नेक है, यानी मानव को दानव बना दें वो हमारी नेक नहीं है। अच्छा, बाबा साहब जब पिछड़ा वर्ग के लिए आंदोलन कर रहे थे तो आपकी उम्र क्या थी? आप उस घड़ी उम्र था लमसम 19 से 21 के अंदर में होगा। 19 से 21 के अंदर में? हाँ। तो उस टाइम आपको कौन बताया कि बाबा साहब आ रहे हैं पटना आंदोलन करने के लिए? हम अपने ननिहाल में पढ़ते थे और उस घड़ी हिंदू मुस्लिम जो राइट हुआ था, गांधी जी के ग्राम यात्रा में भी हम शामिल थे, जो बच्चा जो गांधी जी का पीछे अगर बैनर पकड़े हुए कोई है। अच्छा। तो यही बच्चा है। अच्छा, जो जी वो हम लोगों को रिटर्न भलुआ पीजी लाइन के भलुआ गांव के सामने गुमटी से रिटर्न किए थे और उसी जगह पर सबों का फोटो हुआ था। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी जीवन से चंदापुरी जी से घनिष्ठता लगाव रहा, इसलिए कि वो एक अच्छे परिवार से आते थे चंदापुरी जी, और हमारे नाना भी वैद्य थे, वो लगाव से जैसे कि उनके घर से पहले से ही जुड़ाव था, लगाव था, उस लगाव में हम भी विद्यार्थी थे, चंदापुरी जी हमसे आगे सीनियर थे, हम जूनियर थे, लेकिन विद्यार्थी तो मसौढ़ी के ही थे, तो लोगों का उन्हीं के प्रेरणा स्रोत राजनीति का प्रेरणा हम में हुआ उनके द्वारा, चंदापुरी जी के द्वारा, और हमें अपने लोगों के प्रति श्रद्धा
जैसे जैसे इन महापुरुषों का काम करते देखा और वैसे ऐसे श्रद्धा बढ़ते गया और आज भी हम काम कर रहे हैं तो उन्हीं गरीब को कर रहे हैं जो कूड़े पर है। आज भी यहाँ पर जो देख रहे हैं भीड़, ये पटना नगर निगम का है, ये यहाँ पर लेबर लोगों का, जैसे कि यानी हाजिरी सेंटर लोगों ने मेरे पास रख दिया है और इन सबों की लड़ाई आज भी हमारी शुरू है। अच्छा ये बताइए, जब बाबा साहेब पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन किए, अभी दो बैनर था। अच्छा। एक बाबा साहब चलाते थे शोषित जनसंघ। अच्छा। और चंदापुरी जी के द्वारा हम लोग थे पिछड़ा वर्ग संघ। अच्छा। ये चंदापुरी जी चलाते थे पिछड़ा वर्ग संघ। अच्छा। और बाबा साहब चलाते थे शोषित जनसंघ। अच्छा। जो शायद इसमें है। जी 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 इसमें है, आया होगा जी। शोषित जनसंघ ये रहा बाबा साहब जो चलाते थे, और जो चंदापुरी साहब हैं वो पिछड़ा वर्ग संघ, दोनों ने मिलकर के बाबा साहब और चंदापुरी साहब जो कि त्यागमूर्ति चंदापुरी उनका पूरा नाम है, उन्होंने ही बुलाया था बाबा साहब को पटना और यहीं पे आंदोलन किए थे। जिस वक्त उस आंदोलन हुआ था पिछड़े वर्ग के लिए, अभी आप पिछड़े वर्ग को कहाँ देखते हैं? बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हुआ है पिछड़ा वर्ग? हाँ, बदलाव बहुत हुआ है, लेकिन आज भी हम पर वही लोग हावी है जो कि आज भी शिक्षित नहीं होने दे रहा है। कौन लोग? जो सरकार में है, चाहे वो कांग्रेस हो। अच्छा। या बीजेपी का हो, आज ये सब लेबर जो खड़ा देख रहे हैं, इन लोगों को केवल 9,000 रुपया महीना मिलता है। आए लोग यहाँ काम करता है, नाला का सफाई करता है, इसके या पेट चलेगा या इनके बच्चे लोग पढ़े लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, आप जिस टाइम लगभग 19 से 21 वर्ष के थे, उस टाइम सवर्णवाद, सवर्णों का एकदम वर्चस्व था भारत पे। हाँ। और उस वक्त आपके मन में क्या चला कि आप बाबा साहब के प्रति आ करके उनके साथ में लड़ाई लड़े पिछड़े वर्ग के लिए? इसलिए कि जो मैंने आंखों देखा था लोगों का, पूंजीपतियों का अत्याचार, जमींदारों का, वह हमें खल रहा था। और जब हम छात्र उम्र में आया था 47 में, तो पूर्ण हम छात्र थे उस टाइम से, हमने जो दिल में ये लेख उगता गया, ये उगते आज भी प्रेजेंट है। आज भी यहाँ पर ही हम लोगों के बीच रह के काम कर रहे हैं, और हमारी आशा है कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक के गरीबों का हक नहीं मिलेगा, तब तक के मैं अपना वक्तव्य या कदम पीछे नहीं करूंगा। अच्छा बाबा साहब एक और बात कहे थे कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से बहुजन समाज दरकिनार हो जाए, वो उसे त्याग दे। क्या लगता है कि बाबा साहब का बात जो कहे थे पाखंड और अंधविश्वास से, अब दलित समाज हो या ओबीसी समाज हो, धीरे धीरे हट रहा है, खत्म कर रहा है इसको? हाँ, अगर नहीं हटता तो आज से 92 के पहले पटना में बौद्धिस्ट नज़र कहीं रेलवे लाइन पर आता होगा आते जाते, नहीं तो पटने के अंदर कुछ नहीं। यहाँ से लोगों को मिटा दिया गया था। मात्र लोहानीपुर में एक रोड पर रखा हुआ बुद्ध का मूर्ति था, लेकिन तब से यानी 92 से लगातार आज तक जो परिश्रम किया, उसका फल आप स्टेशन पर चाहे टेंपल देख रहे हैं, बौद्ध टेंपल, या 4 गो बौद्ध विहार देख रहे हैं, राजेंद्र नगर वर्मा टेंपल, गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ, अशोका बौद्ध विहार जगदेव पथ, आपको नंदलाल छपरा पेट्रोल पंप के बगल में अंबेडकर बौद्ध विहार। हमने जहाँ तक बना, मैंने अपने काम को कर रहा हूँ, और हमारा लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे लोग जाग रहे हैं। ये नहीं है कि हम अविश्वास में हैं कि हमारा लोग नहीं जगा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा लोग बहुत जागा है और बहुत आगे आ रहा है,
वरना मार कहाँ खा रहा है इसको आर्थिक स्थिति से, आज भी सरकार का लोग मार रहा है। अगर इन्हें वास्तविक उचित जिस तरह से काम ले और उनकी अगर मजदूरी दे तो शायद हम समझते हैं कि उनको विकास करने में, उनको बाल बच्चे को पढ़ने लिखाने में, पढ़ाने लिखाने में कहीं भी वंचित नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ बाबा जो कि बौद्ध भिक्षु हैं। और बता दूं कि यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले का प्रतिमा लगा हुआ है और ये महात्मा ज्योतिबा फूले सभागार है। आप इस लाइन दरोगा राय पथ में आएंगे पटना में कभी तो यहाँ पे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो या महात्मा ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सभी लोगों का प्रतिमा यहाँ पर है और सभी लोगों का एक एक करके सभागार है। और ये उन लोगों में से हैं जो बाबा साहब के अंतिम दिनों में साथ में थे और बाबा साहब के साथ लड़ाई लड़े थे। और यहीं पे बाबा साहब आए थे पटना में ही, जो मैंने चित्र दिखाया वहाँ पटना में ही बाबा साहब ने जी बिहार में बाबा साहब फर्स्ट और लास्ट अच्छा ही आए। अच्छा तो बिहार में पहली बार ही आए और बाबा साहब पिछड़ा वर्ग संघ के लिए आंदोलन किया है। और यहीं पे मंदिरी एक जगह है पटना में ही जहाँ पे त्याग मूर्ति चंदापुरी जी का घर है, वो पिछड़ा वर्ग संघ के संचालक थे उस टाइम, उनके लिए आंदोलन कर रहे थे पिछड़ा वर्ग संघ के लिए, वहीं पे रुके थे। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।